स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। जी हाँ, एक बड़ी खबर की बात यहाँ पर हो रही है। बताते चले कि सबको याद है जिया खान का मामला। सबको याद ही होगा कि किस तरीके से वो इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान का जिक्र जब भी आता है, लोगों के सामने एक हंसमुख और प्यारा चेहरा घूम जाता है। बेहद कम उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले जिया खान ने एक कलाकार के तौर पर दर्शकों पर पहली गहरी छाप छोड़ी थी। ये वजह है कि जब भी उनका जिक्र होता है, फैन इमोशनल हो जाते हैं। 3 जून 2013 को जब जिया खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और ये खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने जूझ से तो अपने ही घर में पंखे से लटक कर दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिया की मां राबिया खान और उनके परिवार ने एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड और अभिनेता सूरज पंचोली को उनकी डेथ के लिए भी वजह बताया था, जिसके बाद पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार तक कर लिया था। जिया खान के मामले में जो मुकदमा अभी भी जारी है, जिया खान ने बेहद कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। बताया जाता है कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म देखने के बाद एक्ट्रेस बनने की ठान ली थी। उर्मिला मातोंडकर को देखकर उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने का तय किया था। जिया खान को पहली फिल्म 16 साल की उम्र में ऑफर हुई थी। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म तुमसा नहीं देखा साइन की, लेकिन उम्र कम होने के चलते उन्होंने यह फिल्म नहीं की। जिया के इस फिल्म से हाथ पीछे हटाने के बाद दिया मिर्जा इसमें नजर आए। इसके बाद जिया खान ने राम गोपाल वर्मा की निशब्द में अपने करियर की शुरुआत की थी। खास बात तो यह है कि इस फिल्म में जिया खान ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया था, जिसके साथ काम करने के लिए न्यू कमर सालों साल इंतजार करते हैं। जिया ने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही कर दिखाया। इस फिल्म में उन्हें खूब सहारा गया, हर कोई जिया खान की एक्टिंग का कायल हो गया। इसके बाद जिया आमिर खान की गजनी और अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी। बताते चले कि इसी दौरान उनकी मुलाकात आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली से हुई। जिया जब एक स्टार बन चुकी थी, सूरज अपने कदम इंडस्ट्री में जब जमाने में लगे थे। जिया और सूरज की दोस्ती हुई और कभी दोस्ती प्यार में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। इसी बीच जिया को रणबीर कपूर के साथ एक बड़ा ब्रेक मिला। वह आपका साया में रणबीर के साथ काम करने वाली थी, लेकिन इस फिल्म से पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसके बाद जिया का एक खत भी लिखा हुआ मिला था, लेकिन अब इसकी लगता है कि जल्द ही उनको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखना यही है कि आखिरकार कब उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि सब लोग उनका केस हमेशा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस खबर को देखकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।